उसका नहीं रहता है। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है बेटा? हाँ जी, सैंडी सॉइल, उसके अंदर सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा होगा। अगर आपको याद आ रहा हो, टेंथ तक सबके पास साइंस और सोशल था, तो आप क्ले, क्ले सैंड, रेता, सैंड को हिंदी में रेता कहते हैं, रेता हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया या सिल्ट हो गया, ऐसे पढ़ते थे। सभी सॉइल के अंदर क्ले, इसके अंदर भी क्ले है, इसके अंदर भी क्ले है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी सैंड है, सभी के अंदर है। बट उन सभी के अंदर उनका परसेंटेज क्या है अलग अलग। डेजर्ट सॉइल के अंदर रेत या सैंड का परसेंटेज क्या होता है? 90%। इसीलिए उसको हम डेजर्ट, जो डेजर्ट एरिया में पाया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? डेजर्ट सॉइल। और किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है बेटा? नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, अभी नोट्स दे रहा हूं मैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनीवन इन द क्लास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? कुछ भी पढ़ा हो या पास्ट में पढ़ चुके हो? हाँ बेटा, आज के एनवायरनमेंट को फुलफिल करके उसे इतना सेव करना कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए यूज कर पाए। ठीक है, सही बोला। आप में से किसी को कुछ बोलना है बेटा? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नहीं, पीछे बेटा, बीच में बोलना है कुछ? रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से प्रयोग करना कि वो आगे के लिए आपके पास आता हूँ बेटा। बोलो, अभी उसका उपयोग इस तरीके से करना ताकि वो आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी इसी तरीके से प्रयोग की जा सके। सही बोला, अब आप बोल रहे हैं। बस, और कोई पीछे इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश लिटरेचर आज तो सब्जेक्ट क्लास भी नहीं हुई शायद से, है ना? हुई थी? नहीं, तो फिर थकी हुई क्यों? हाँ, ठीक है, सार्थक विकास हिंदी में। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश लिटरेचर कुछ नहीं बोला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? ठीक है, फिर किसी और को कुछ ऐड करना है, कुछ अपने व्यूज रिप्रेजेंट करने हैं?